राजस्थान सरकार कहती है कि निरोगी राजस्थान उसका सपना है, लेकिन हकीकत में राजस्थान के कोटा जिले के जेके लोल अस्पताल में मासूमों की मौत रुक नहीं रही है। कोटा के सरकारी अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्य सरकार को ठोस कदम उठाने का संदेश दिया तो बसपा अध्यक्ष मायावती और भाजपा की प्रदेश इकाई ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोटा के एक सरकारी अस्पताल में बच्चों की मौत को लेकर दुख जाहिर करते हुए सोनिया ने पार्टी के राज्य प्रभारी अविनाश पांडे से हालात की जानकारी ली। सोनिया से मुलाकात के बाद पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के अध्यक्ष के पास एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। इस मामले में बसपा अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस शासित राजस्थान के कोटा जिले में हाल ही में लगभग 100 मासूम बच्चों की मौत से माओं की गोद उजड़ना अति दुखद और दर्दनाक है। उस पर वहां के मुख्यमंत्री गहलोत और उनकी सरकार इसके प्रति अभी भी उदासीन और असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार बने हुए हैं। उन्होंने अगले ट्वीट में कहा कि उससे भी ज्यादा दुखद है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, खासकर महिला महासचिव का इस मामले में चुप्पी साधे रखना। अच्छा होता कि वो यूपी की तरह राजस्थान जाकर उन गरीब पीड़ित माओं से भी मिलती जिनकी गोद उनकी पार्टी की सरकार की लापरवाही के कारण उजड़ गई। एक अन्य ट्वीट में बसपा नेता ने कहा कि यदि कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान के कोटा में जाकर मृतक बच्चों की माओं से नहीं मिलती हैं तो उत्तर प्रदेश में किसी मामले में पीड़ितों के परिवार से उनकी मुलाकात राजनीतिक स्वार्थ और कोरी नाटकबाजी ही मानी जाएगी। चारों ओर से घिरे सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने सफाई दी। बोले कि जेके लोन अस्पताल कोटा में हुए बीमार शिशुओं की मौत पर सरकार संवेदनशील है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोटा के इस अस्पताल में शिशुओं की मृत्यु दर लगातार कम हो रही है, हम आगे इसे और भी कम करने के प्रयास करेंगे। माँ और बच्चे स्वस्थ रहें, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि राजस्थान में बच्चों के आईसीयू की स्थापना सबसे पहले हमारी सरकार ने 2003 में की थी। कोटा में बच्चों के आईसीयू की स्थापना हमने 2011 में की थी। गहलोत के अनुसार निरोगी राजस्थान हमारी प्राथमिकता है और स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार के लिए भारत सरकार के विशेषज्ञ दल का भी स्वागत है। उन्होंने लिखा, हम उनसे विचार विमर्श और सहयोग से प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए तैयार हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि इस मामले में मीडिया किसी भी दबाव में आए बिना तथ्य प्रस्तुत करे। अस्पताल में हो रही मौतों पर नेताओं ने कड़े कदम उठाए हैं, वो एक दूसरे को चिट्ठियां लिख रहे हैं। कोटा से ही बीजेपी सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सूबे के सीएम अशोक गहलोत को रिमाइंडर यानी पुनः स्मरण पत्र भेजा है और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत बनाने का आग्रह किया। उनको लगता है कि शायद इतने भर से काम बन भी जाए। बीते 23-24 दिसंबर को 48 घंटे के भीतर अस्पताल में 10 बच्चों की मौत को लेकर काफी हंगामा हुआ था। हालांकि अस्पताल के अधिकारी आंकड़ों से खेलते रहे। उनका कहना है कि यहां 2018 में 1005 बच्चों की मौत हुई थी और 2019 में उससे कम मौतें हुई हैं। अस्पताल के अधीक्षक कहते हैं कि अधिकतर शिशुओं की मौत का कारण जन्म के समय कम वजन होना है। सूबे में कांग्रेस की सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने एक दल भेजा। लॉकेट चटर्जी, कांता कर्दम और जसकौर मीणा समेत भाजपा सांसदों के एक संसदीय दल ने अस्पताल का दौरा किया। दौरे के बाद राजनीति और कुछ नई जानकारियां सामने आई। दल ने कहा कि एक ही बेड पर 2-3 बच्चे थे और अस्पताल में पर्याप्त नर्से भी नहीं है। इन हालात के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य की कांग्रेस सरकार को नोटिस जारी किया था। आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा था कि अस्पताल परिसर के भीतर सुअर घूमते पाए गए। उधर राजस्थान सरकार की एक समिति ने खुद ही अपनी सरकार को क्लीन चिट दे दिया और कहा कि बच्चों का सही इलाज हो रहा है। 3 सदस्यीय जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अस्पताल अपनी क्षमता से 150% अधिक काम कर रहा है और अस्पताल में बेहतर चिकित्सा देखभाल के लिए और सुधार की जरूरत है। राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार 10 में से 8 बच्चों को गंभीर हालत में अन्य अस्पतालों से यहां भेजा गया था, जबकि 2 बच्चों का जन्म अस्पताल में ही हुआ था। उन्होंने बताया कि सभी का उचित इलाज किया गया। इसके अलावा जिन 10 मासूमों की मौत हुई थी वे समय से पहले जन्म के कारण अधिक जोखिम में थे।